नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल गंभीर को धमकी भरा मेल पाकिस्तान से भेजा गया था। गौतम गंभीर ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें मेल पर ISIS कश्मीर की ओर से जान से मारने की धमकी दी गई है। मामले में दिल्ली पुलिस ने जब मेल आईडी की जांच शुरू की तो पता चला कि धमकी भरा मेल कश्मीर से नहीं बल्कि पाकिस्तान से भेजा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने गूगल से मेल आईडी को लेकर जानकारी मांगी थी, जिसके बाद गूगल ने बताया कि जिस मेल से धमकी दी गई थी उसका IP एड्रेस पाकिस्तान का मिला है। गूगल ने बताया कि हमारे पास कुछ EMEI और वैकल्पिक ईमेल हैं और इसके साथ ही एक बेंगलुरु आधारित IP एड्रेस भी है। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि गौतम गंभीर के अलावा कई अन्य लोगों को भी आतंकी संगठन ISIS के नाम से इस तरह की धमकी भरा मेल भेजा गया था। इस पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। हालांकि मामले पर दिल्ली पुलिस के अलावा कई और भी एजेंसियां नजर बनाए हुए हैं। बता दें कि पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को मंगलवार को फोन कॉल और मेल पर धमकी दी गई थी। इसमें उनको और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। गंभीर ने इसकी शिकायत पुलिस में की थी, जिसके बाद गंभीर के घर की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।